से अच्छे घोड़े आए वो तो सभी पंजाब चले गए जी, और घोड़ी ज्यादा से ज्यादा जो गुजरात चली गई जी, पर फिर भी अजी तक भी राजस्थान में पुराना खजाना काफी पड़ा है। वो भी खाली करना है क्या? चलो हौली हौली हो सकता कुछ ना कुछ तो जाएगा। हम पहुंच चुके हैं, अभी नौजवान ही है, बूढ़े वाले देख चल के नौजवान है, घोड़े वाले ना घोड़ा बुढ़ा होता है। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिफ अनवर, मैं आया हुआ हूँ पुष्कर मेले में। देखिए पुष्कर मेले में एक से एक शानदार घोड़ा घोड़ी पहुंच रहे हैं, तो वहीं जसपाल अंकल भी आ गए हैं। जसपाल अंकल पंजाब से है, सभी लोग जानते हैं, तो मारवाड़ी भी लेके आए हैं, नुकरे भी लेके आए हैं, और इनके घोड़े तो वैसे ही फेमस हैं। 71 इंच का एक इनका कह सकते हैं पदम भी खड़ा हुआ है। हाँ जी, और अंकल जी से बात करेंगे और जानते हैं कि क्या क्या लेके आए हैं मेले में। चलिए आइए बात करते हैं। तो अंकल जी क्या हाल चाल है ये बताइए। हाँ जी बहुत अच्छा जी, आप जो भी पुष्कर मेले में आए अपने इंडियन चालबाज चैनल से जी, आपका जी, हमारे सबसे जितने भी सज्जन दोस्त हैं सबका आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है, जो कि आप टाइम से टाइम निकाल कर जी, जी, जो भी मेले जो भी जानवर प्रमोट करते हैं जी, तो इसलिए आपका सभी घर बैठे जितने भी सज्जन दोस्त घोड़ा प्रेमी सब घर बैठे सब मेला देख लेते हैं, इसलिए इंडियन चालबाज चैनल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद अंकल, और हिंदी बड़ी अच्छी बोली आज। ये जो हमारी हिंदी है ये मिक्स पंजाबी और हाफ हिंदी है, ऐसे है ना, ही तो पूरी हिंदी आती है और ना ही इसमें पूरी पंजाबी आती है। हाँ जी, तो ये दो कब पहुंच गए आप? हाँ जी, हम 7 तारीख को पहुंच गए थे बेटे। अच्छा, हाँ तो इस बार तो यहाँ भी माहौल बना दिया है, क्या बात है। हाँ, सारे पंजाब जो पंजाब वालों का मेला ही है जी, अभी राजस्थान का तो नाम रह गया। देखो 3 आज 5 तारीख से लेकर जितनी गाड़ी है सब पंजाब नंबर की घूम रही है, और नाल गुजरात की, राजस्थान की तो गाड़ी नहीं देख रही इधर घूमती हुई जी। तो सारे तो खरीद लिए पंजाब ने इनको, क्योंकि जो पहले से अच्छे घोड़े आए वो तो सभी पंजाब चले गए जी, और घोड़ी ज्यादा से ज्यादा जो गुजरात चली गई जी, पर फिर भी अजी तक भी राजस्थान में पुराना खजाना काफी पड़ा है। वो भी खाली करना है क्या? चलो हौली हौली हो सकता कुछ ना कुछ तो जाएगा, इसलिए काफी माल चला गया जी। जो भी इधर मेला तो बड़ा पुष्कर और बल्होत्रा, ये अपने सारे पंजाब वाले मेलों से तो बहुत बड़ा मेला है जी। हाँ, जेकर इधर गिनती करते हैं तो हजारों की गिनती में जानवर आ जाते हैं जी, जी जी। हाँ जी, तो अंकल कितने लेके आए हैं इस बार? इधर आप 6 जानवर लेके आए सी जी, 4 हाँ, 5 घोड़ी नुकरी और 1 घोड़ा ये डायरेक्ट शान का बच्चा है, ईशान। नाम क्या इसका? ईशान। ईशान, हाँ जी ईशान। ईशान अलग ही दिख रहा है। हाँ जी, इदा इस तरह ना जी, जेड़ा बाप वाली झलक है जी, वो ये चो पूरी झलक दिखती है जी। बाप का पूरा है? हाँ, बाप की पूरी झलक दिखती है, क्योंकि शान के बच्चे काफी कम है। कम हाँ, है, कम है। जो भी घोड़े तकरीबन 64+ इंच का तकरीबन बहुत घट होंगे जी, जेड़े शान के बच्चे है जी। जी तो आप देख रहे हैं ईशान है ये, और पंजाब से आया है। अंकल फार्म अपना कहाँ पड़ता है, किस जगह? अपना काम तरखान वाला है जी, जी। डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब पंजाब, जो मुक्तसर मेला लगता है जी वो अपने से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पे है जी। तो अंकल जैसे ये शो के लिए लाए हैं, कैसे क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? मैंने सुना है इसके पीछे बहुत लोग पड़े हैं। हाँ जी, काफ़ी जी, क्योंकि जो बाहरली स्टेट के आदमी है जी, क्योंकि शान का जो कह दें ना आप, एक तरह का बीज खत्म हो गया जी। हाँ, क्यों बहुत घट बच्चे घोड़े है जेडे शान दे है जी। इस करके अपना जिवें घोड़ियाँ भी अपने तो 2-3 घोड़ी जी तमिलनाडु वाले खरीद कर लेके गए अपने, चलो पहला दे जानकार है कुछ भाई साहब अपने मोनू भाई जी, इन्हों का भी सज्जनता ही है, इन्होंने घोड़ियाँ उधर चलिया गई, वो घोड़े दे भी चंगे पिछे पे है जी, आपको भी मालूम ही है। हाँ जी, पर चलो अजे तक तो 10 लाख का डिफरेंस है, शायद हो सकता निकल जाए। हो सकता है ये हो ही जाएगा काम जब थोड़ा बहुत फर्क है। हाँ जी, तो अंकल जैसे हाइट अभी कितनी है इसकी? हाइट अभी 64 तो पार ही है जी, 65 एज अभी 3.5 साल हो गई जी। तो अभी घोड़ियों पे छोड़ा इसको? हाँ, 15-20 घोड़ियां 25 घोड़ियां क्रॉस हो गया तकरीबन, हजे तक जी 2 बच्चे आए है जी, ज्यादा चंगे आ रहे हैं। हाँ चंगे जी, मत्थे पटा 2 पैर सफेद जी। अच्छा, जिस तरह ये भी 2 पैर सफेद मत्थे पटा है जी। हाँ जी, इसे इसकी मार्किंग भी 1 पैर वाइट नहीं, दूसरा थोड़ा है जी पीछे वाला। हाँ जी, अपनी साइड वाला भी है। अच्छा, जो यदि माँ जी यदि लाइन बहुत अच्छी है जी, जो इसकी मदर है वो प्रिंस घोड़ा टहले वाला बहुत पुराना ते फेमस घोड़ा जी। जी जी, हाँ यदि माँ वो है जी। अच्छा, अपने बिल्कुल डायरेक्ट घर से खरीदा था भाई दारा सिंह के। अच्छा, सबरावा से। ठीक है। हाँ जी, उदो 4 महीने का आप 11 लाख रुपए का लिया सी। हाँ, वो सिर्फ 4 महीने का सी जी। 4 महीने का लिया था जब 11 लाख रुपए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अंकल अब घोड़ों की कीमत तो
अब करोड़ों में पहुंच चुकी है, पहुंच घर में तो यही लगता है मुझे अब। बिल्कुल है भी सही जी, क्योंकि एक घोड़ा इस तरह का है जी, घोड़ा तो जमीन है जी, ने सारी उम्र देना ही देना जी। हाँ लेना तो है नहीं जी कदे, चलो दाना उन्ना तो घोड़ी ने भी खाना जी, पर इन्हां दी जिहड़ी फीस है, एक तो हुण दा जिहड़ा है जी फीस का रेट काफी हो गया जी। हाँ जी चलो आपां तां फिर भी बहुत नॉर्मल जी, 51,000 रुपया फीस ही रखी है जी। कितना? 51,000। हाँ जी हाँ, हरेक आदमी नू सुख ते सुविधा हो जाती है जी घोड़ी क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हो थोड़ा बहुत? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं पूरा जी, जेकर आप सोचांगे फिर ही आदमी बचेगा जी, नहीं तो किन्ना समा घोड़िया की फीस देनी भी मुश्किल आ जाती है जी। चलो अपने हर आदमी का जो शौक है पूरा हो जाए जी, पूरा हो जाएगा जी। तो आप ये देख रहे हैं शान का बच्चा ईशान, और अंकल जी लेके पहुंचे और भी घोड़ा घोड़ी लाए, वो भी देख लेते हैं। आप क्या दिखाएंगे अंकल? हाँ जी जो दूसरी घोड़ी है ये देख लेते हैं जी, ये रौली वाले घोड़े की है जी। जी ये भी अभी इसकी जो हाइट है जी वो 65 है, बिल्कुल ऊंची घोड़ी है। हाँ जी बिल्कुल स्पॉटलेस है जी, कहीं कोई दाग नहीं, साफ सुथरी घोड़ी है जी। जो यदि किसकी बताई अंकल? ये रौली वाले अर्जुन की। रौली वाले? हाँ जी। उम्र कितनी हो गई इसकी? जिसका बेताब था जी। हाँ जी। एज कितनी हो गई? एज भी 3.5 साल ही है जी, 4 साल हो ही नहीं है। अच्छा। जी हाइट 65 है? हाइट 65 भी प्लस ही है जी, प्लस है। हाँ जी। तो ये सब अंकल सेल करने के इरादे से आएंगे? नहीं पहले तो वैसे जी सेल करने का इरादा सी, पर जो दूसरी तीन घोड़ी सेल होगी फिर इसीलिए इसका जो फॉर सेल करने का विचार जिहड़ा कैंसल कर दिया जी। लेकिन अब ये है कि कोई अगर आया अच्छा ऑफर दिया तो दे ही दिए जाए। नहीं वो तो वैसे होने के एक दफा तो विचार ढिल्ली है जी। हाँ जी क्यों, घोड़ी ज्यादा चंगी है जी, बिल्कुल स्पॉटलेस है जी, साफ सुथरी घोड़ी है जी। तो ये कितनी जाएगी अंकल? ये हजे तक जी 1.5 इंच हाइट और कर देगी। 1.5 इंच यानी कितने आपका ये 66 के आसपास? हाँ 65 प्लस। हाँ 65 तो हुण भी प्लस है जी, ये 67 के लमथम हो जाएगी। हाँ क्योंकि घोड़ा घोड़ी 5 साल तक हाइट करता है जी। ठीक है। हाँ जी ये घोड़ी है जी, ये सुबर है जी। अच्छा। हाँ जी ये जो रोई वाले वाला घोड़ा था पहला वाला सुल्तान। अच्छा सुल्तान हाँ की है? सुल्तान की है, उस घोड़े दी है जी। हाँ जी एदा भी हाइट है अच्छी है, 63 प्लस है जी। 63 प्लस। हाँ प्रेगनेंट भी है जी। किस घोड़े से है अंकल? ये पदम से जी। पदम से? हाँ पदम से जी, अपने घर ये है घोड़ी जी, घर ही घोड़ा जी, फिर और किसी से तो आप क्रॉस करवा नहीं सकते। ये जी 6 साल है जी। 6 साल। हाँ जी यदि पहला वाली बच्ची है वो अपने समुंदर घोड़े दी सी जी, वो भी 9 लाख रुपए की सेल हुई जी, 6 महीने की बच्ची। अच्छा। हाँ रिजल्ट बहुत अच्छा घोड़ी ने दिया जी। हाँ जी ये अपने भरा भाई गोपी सरपंच जी। अच्छा गोपी जी की है? गोपी जी आज तो बिल्कुल अलग किट में है। इन्ना जी एक तो सरपंच ही जीती हुई है। हाँ। एक आज वैसे भी लड़का बना हुआ है, इकड़ा कोई बुड्ढा तो हो नहीं जाता। पंजाबी वैसे ही काम बुड्ढे होते हैं। हम 60 के लमसम पहुंच चुके हैं, अभी नौजवान ही है, इकड़ा कोई बुड्ढे वाले देख चल। 60 साल के नौजवान है, घोड़े वाले ना घोड़ा बुड्ढा होता है। हाँ जी ना मालिक बुड्ढा, पुरानी कहावत है ना घोड़ा दे मर्द। क्या पेट दिखा रहे क्या? मैंने क्या पेट दिखा रहे? पेट नहीं है गोपी जी का, है नहीं पेट तो। हाँ जी एक बड़ा जैसे कोड़ा मर्द ना हो ना बुढ़े जो जो मिलने खराका। ये घोड़ी है ना ये किस लाइन से है? ये प्रभात की। ये प्रभात की है? प्रभात की है। अच्छा। ये प्रभात की है और ये द्रोण की पोती है जी। अच्छा और इसका बाप है वो गोपी जी ये भी सेल का इरादा है? तीन पैर वाइट, दो पैर वाइट है? थोड़े थोड़े चारों? अच्छा अच्छा सही है। और एक मंथ की है जी? एक मंथ की है। घोड़ी को फिर सुपर करवा दी ईशान से जी। अच्छा ईशान से करा दी, मेले से बेनिफिट ले लिया जी सरपंच साहब ने। दोस्ती निभाई है। आप इधर ही आ जाइए। हां जी चलिए जी। हां जी हां जी। और इसके बारे में बताइए? ये भी प्रभात की ट्रैक्टर जी। अच्छा हां जी। तो हाइट वगैरह क्या है इसकी? ये हाइट 61 है इसकी जी। अच्छा ये सेल के लिए मूड से आ गए हैं? हाँ जी हाँ जी। बच्ची बड़ी चंगी है इसलिए मेला देख लेंगे चलो इस बहाने से। नाले जी यदि तो पुरानी लाइन करके ना जी बच्चे बहुत चंगे देते हैं। अच्छा। हाँ जिहड़ा पहला घोड़ा आया था वो भी 60-65 लाख रुपए का बिक चुका है जी। अच्छा इसका? हाँ जी हाँ जी। ऊपर? हाँ जी बहुत बहुत चंगी घोड़ी है जी, क्योंकि पुरानी लाइन की घोड़ी है जी। इसका बच्चा 60 लाख रुपए? हाँ जी 60 लाख का बिका है जी। अच्छा हाँ जी।
जी इसलिए इसका तो कल भी कुछ काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे पर सरपंच साहब दे बजे रोके बेचेंगे हो सकता है इसको प्रेग्नेंट करके ही दें किसी से। वो ज्यादा बढ़िया है। हाँ बढ़िया जी। बाकरपुर नूरे की बच्ची है जी। अच्छा इसकी एक बच्ची है घर पे बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ जी। और जितनी हाइट घोड़ी की है जी उतनी हाइट ही बच्ची की हो गई। अच्छा हाँ जी। तो वही है कि घोड़ी भी स्मार्ट है मालिक भी स्मार्ट है और बच्ची भी स्मार्ट है। तो अभी ये हाइट तो अच्छी खासी कर रही है। हाँ जी। नहीं घोड़ी अभी 64 प्लस है जी। घोड़ी का नाम बताइए आपने। ये बाकरपुर नूरा बाकरपुर की बच्ची है जी। ठीक है तो एक से एक लाए। अच्छा दोस्ती आपकी कितनी पुरानी है ये बताइए। दोस्ती हमारी है पुष्कर मेले से दोस्ती स्टार्ट हुई थी। अच्छा बाकी तकरीबन 7-8 साल पहले। तो अब बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, चंगी है। पुष्कर मेले से स्टार्ट हुई थी। हाँ। भाई साहब को मैं मिला पहली बार। हाँ। उससे लगे आज तक हमारी दोस्ती है वो बरकरार है पूरी बरकरार रहेगी। बढ़ के कोई प्यार नहीं है। और ये हमारी दोनों की नहीं है हमारी टोटल फैमिली की आपसे में दोस्त प्यार है जी। वैसे दोस्ती भी ब्रदर उठी निभदी है जिते परिवार चाहे। बस 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 सही। जेकर परिवार ना चाहे फिर दोस्ती नहीं निभदी जी। तो अंकल जी कैसा है मेले का माहौल। अब मेले का माहौल जी कल तक तो पूरा बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन कल के बाद बिल्कुल रश भी कम हो गया। हाँ। और सब जितने घोड़े वाले हैं वो भी सुस्त हो गए। हाँ। लेकिन 8 बजे के बाद थोड़े से मस्त हो जाते हैं। हाँ वो तो फिर शाम वाला टाइम हो जाता है। अंकल जी क्या देखते हैं जैसे अपने पंजाब में वहाँ मेले लगते हैं जी वहाँ में और यहाँ में आपको क्या फर्क लगता है। फर्क तो यह है जी सानू तो वैसे इतने आके कोई फर्क नहीं लग्या। हाँ। क्योंकि इतने सारे पंजाबी है जी अपना तो उ खाने पाना। हाँ। उ समान है। हाँ। बस एक जरूर है सानू पंजाब नालों सब तो वड्डी प्रॉब्लम है जी टेंटा की है ये बहुत महंगा है जी। देखो एक सीलिंग है 5000 रुपए की है। अच्छा हाँ तो वह भी बांसा से बनी है जी एक बारिश भी पै जाए ना ये खड़ सकन ना नेरी च खड़न जी। जगह भी पै जी। हाँ ये जगह भी पैसों की जगह भी पैसे तो सरकारी है सब नहीं वो जी सरकारी जगह जी वो जी परली रोड है जी वो तो परली साइड है उधर ये प्राइवेट है ये जगह। जैसे अंकल जी इस मेले में मैंने ये देखा कि बहुत जगह एक साथ मेला नहीं है जैसे मुक्सर है वो एक साथ लगा हुआ है आदमी घूम ले इस मेले में घूम नहीं पा रहा है आदमी सिस्टमैटिक नहीं है। सब तो वधिया जगह सी जेडी पहला स्टेडियम दे दाले मेला लगता सी पुरानी मेला जी। एक तो शाम को 2 घंटे जो किसी ने टाइम पास करना है स्टेडियम में हो जाता था। अभी तो इतने कोई बैठने वाला काम ही है कोई घूमने वाला या आसे पासे जाने वाला तो है नहीं जी। हाँ जी फिर एक ही रोड है जी वो परली जगह जी 40 या 50 एकड़ बोल रहे सरकारी जगह जी ओदे उपर तो सारा मेला लग भी नहीं सकता है कि कोई टीले पे बैठा कोई पहाड़ पे है पहाड़ पे है जी। फिर जब इतने ऊपर जाने के लिए तो 4 व्हील लगाना पड़ता है 2 व्हील तो भी कभी कभी फंस जाता है कहीं तो मैंने देखे फंसे हुए उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए अंकल बड़ा अच्छा लगा बात करके और उम्मीद यही करते हैं जैसे पंजाब में नाम हो रहा है दुनिया में नाम हो रहा है तो पुष्कर में भी नाम करके ही जाएंगे। चलो थैंक यू। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये भी तुम्हारी वजह से है जो सारे जानने लगते हैं। अगर आप ना दिखाओ किसी को प्रमोट ना करो तो हम कौन जानेंगे जी आदमी तो बहुत घर पे बैठे जी जी करते हैं सब लोग अपनी अपनी मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद थैंक यू प्रमोट कर रहे हो सबको। थैंक यू।